हे फ्रेंड्स, देसी स्टाइल समोसा विद सरसों की चटनी, ओहो कितनी डिलीशियस है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए 200 ग्राम मैदा लिया है मैंने और इसमें सरसों का तेल डालेंगे मुहिम के लिए। स्वाद अनुसार नमक, तेल और मैदे को अच्छे से मिला लेते हैं। जब आटे का इस तरह से मुट्ठी बन जाए तो मतलब मोम बिल्कुल परफेक्ट है, अब नहीं डालने की ज़रूरत है मोम। अब हल्का हल्का पानी के साथ इसका हम डो रेडी कर लेंगे। जैसा हम लोग रोटी का आटा मिलाते हैं ना, उससे सख्त आटा होना चाहिए। समोसास तो जो यूजुअली सब लोग बनाते हैं इमली टमाटर की चटनी के साथ और घी की मोइम डाल के, वो समोसा तो हम रेगुलर वे में खाते ही है। बट आप ये वाला समोसा ट्राई करके देखो, ये देसी स्टाइल सरसों की चटनी के साथ इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। और चूंकि इसमें हमने सरसों के तेल का यूज़ किया है, सो ये डाइजेशन के लिए भी अच्छी है। क्योंकि होता है ना रिफाइंड ऑयल, बहुत लोगों को उससे एलर्जी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, सरसों के तेल में ऐसा कुछ नहीं है। सो आप ये समोसा ज़रूर ट्राई करें। हल्के गीले कपड़े से ढक के आटा को रेस्ट होने के लिए छोड़ दें। इधर कढ़ाई गर्म हो रही है, इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल और दो चॉप प्याज डाल दिया। फ्लेम बिल्कुल हाई है अभी और आलू जो थी छीली हुई मेरे पास, बॉइल आलू ऑब्वियसली। अब इन सबको हाई फ्लेम पे थोड़ा भून लेते हैं। फिर मटर है मेरे पास, मटर डाल दिया मैंने। स्वाद अनुसार नमक, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, ये सारा कुछ डाल के इसे हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट भूनेंगे, जब तक आलू का मॉइस्चर सूख नहीं जाता। मतलब होता है ना, आलू में जो भी पानी है वो सूख जाएगी, तब हम फ्लेम को लो कर देंगे। फिर इसमें लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। कटी हुई हरी मिर्च थी 3-4 मेरे पास, थोड़ा सा अदरक, गरम मसाला, मिर्च पाउडर, ये सब आखिरी टाइम में डालें, क्योंकि अदरक पहले डाल देने से ओवर कुक हो जाएगी, इसका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आता। अदरक को आखिरी समय में डालना चाहिए। थोड़ी देर इसे भून के गैस को ऑफ करें और अब इसे मैश करें। इस तरह से आलू फ्राई करने से ना, आप देखना, आप जो मैश करके आलू को फ्राई करते हो और इस तरह से फ्राई करते हो, बहुत डिफरेंस आएगा। आप ट्राई एक बार ज़रूर करना। और ये देसी स्टाइल समोसा है, सो इसकी फिलिंग भी हमने थोड़ी देसी स्टाइल से बनाई है, अच्छे से मसाले वगैरह डाल के। अब हम लोग चटनी तैयार करते हैं, मस्टर्ड सॉस, सरसों की चटनी। थोड़ा सा काला सरसों लिया है मैंने, लहसुन, 2 हरी मिर्च, नमक और पानी के साथ आज के समोसा के लिए बहुत ही टेस्टी सी सरसों की चटनी रेडी हो गई। अब आटे की लोइयां बना लेते हैं। इस तरीके से मैंने सारे आटे की बड़ी बड़ी लोइयां बना ली, उतने आटे में 9 लोइयां बनी टोटल। तो सरसों का तेल लिया है मैंने यहाँ, हर लोई में अच्छे से तेल लगा के इसे पतला सा बेल लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके के थिकनेस होनी चाहिए। बीच से एक नाइफ की हेल्प से इसे कट कर लें। इसी तरीके से हम समोसा की दूसरी शीट रेडी करते हैं। टोटल 18 शीट रेडी। इसे मैं गीले कपड़े से ढक के छोड़ दूंगी, नहीं तो उसके कॉर्नर सूख जाएंगे, फिर वो अच्छे से बंद नहीं होगी। अब हम समोसा रेडी करते हैं। 2-3 शीट निकाल ली मैंने,
जिस साइड से हमें बंद करना है ना उसमें ऐसे पानी लगाएंगे, पानी से वो अच्छे से चिपक जाएगी तो ऑयल में जाने के बाद खुलेगी नहीं। और मुट्ठी बना के उसमें इस तरह से कोन को डाल लेनी है। इसमें फिलिंग डालेंगे अच्छे से। जिधर से हमने समोसा का कोन बनाया ना उसके पीछे के साइड को अच्छे से चारों तरफ सबसे पहले तो पानी लगा लेनी है, फिर इस तरीके से मोड़ देंगे तो समोसा का शेप खराब नहीं होता है उससे। अब दबा दीजिए, देखिए कितनी परफेक्ट साइज़ की समोसा बनी है। आप चाहें तो थोड़े बड़ा साइज़ का भी समोसा बना सकते हैं आप, क्योंकि हम घर में समोसा बना रहे हैं सो जितना बड़ा समोसा होगा फ्राई करने के लिए उतनी ज़्यादा ऑयल भी लगेगी। और ये बात तो सभी लोगों को मालूम ही होती है कि पके हुए ऑयल को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रखनी चाहिए। सो अगर हम ज़्यादा तेल लेंगे तो कितना ही दिन तक उसे हम स्टोर कर पाएंगे, कम तेल रहती है तो 2-3 दिन में वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमने इस तरह के समोसे बनाए हैं। ये मैंने मोड़ दिया अच्छे से। इसी तरह से सारे समोसे को बना लेंगे। अब जो हम लोग मार्केट से लाते हैं उस पर तो क्या ही कर सकते हैं, वो भी होती है कितनी दिन की तेल होती है, फिर से लोग उसी में पका देते हैं इसलिए वो अनहाइजीनिक होती है। तो अगर हम घर पे बना रहे हैं तो हाइजीन का तो ख्याल रख ही सकते हैं। सारे बन गए और इसे मैंने ढक दिया। अब लास्टली समोसा को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने सरसों की तेल ली है यहाँ, और ये ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। जब तेल हल्का गर्म हुआ हो तभी इसमें हम सारे समोसे डाल देंगे। गैस की आंच को लो रखनी है और डालने के बाद बस इसे मैंने अच्छे से थोड़ा एडजस्ट कर दिया। ज़्यादा नहीं चलानी है इसे, थोड़ी देर अच्छे से पकने दें फिर पलट पलट के सेक लें। जब समोसा इस कलर की हो जाए, थोड़ी लाइट ब्राउन, तो समोसा पक चुकी है। और अब इसे मैंने एक मोटे स्ट्रेनर में निकाल लिया। इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। पहले से प्रिपरेशन करने के चलते गैस के आगे का काम बस 5 से 6 मिनट में कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी हरी मिर्च को मैंने बीच से चीरा लगा के फ्राई कर लिया। हमारा देसी स्टाइल समोसा इज टोटली रेडी फॉर सर्विंग, सरसों की चटनी और हरी मिर्च के साथ। ये देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता बनी है ये। इसे सर्व कैसे करते हैं, समोसा को थोड़ा सा दबा दे, उसके ऊपर सरसों की चटनी लगाएं और इन्जॉय करें। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।